अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बीफ शामी कबाब। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को क्लिक करें और मेरी नई वीडियो देखने के लिए साथ में बेल आइकन को बटन को भी क्लिक करें। बगैर हड्डी वाला गोश्त आधा किलो और चने की दाल एक पाव, हमने इसको दो घंटे भिगो के रखा था। और एक प्याज चार हिस्सों में कटी हुई, नमक एक चम्मच और लहसुन की पांच अदद और अदरक के दो टुकड़े, कूटी हुई मिर्च एक स्पून, ज़ीरा पाउडर एक स्पून और दालचीनी दो से तीन चार अदद, चाट मसाला एक स्पून और धनिया की एक प्याली, नींबू का रस एक स्पून, नमक आधा चम्मच और प्याज बारीक कटी हुई एक अदद और तीन मिर्चें चौकी हुई, दो अंडे, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब हम इसमें हांडी में गोश्त, चने की दाल और प्याज और ज़ीरा कूटा हुआ एक स्पून वो डालेंगे और दालचीनी के दो टुकड़े वो भी डाल देंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन वो भी डाल देंगे और ये कूटी मिर्च एक स्पून वो भी डाल देंगे, नमक साथ में भी डाल देंगे, अदरक लहसुन भी डाल देंगे। अब इसको हम चार गिलास से पांच गिलास मिश्रण हम पांच गिलास मिश्रण में डाल देंगे पानी और इसको कवर कर देंगे एक घंटे के लिए, एक घंटे के लिए कवर कर देंगे। एक घंटे के बाद चेक करेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है, इसको छः से सात मिनट और कवर कर देंगे हल्की आंच पर। अब इसका पानी सूख गया है, अब इसको स्टोव को ऑफ करेंगे और किसी बर्तन में डाल देंगे ठंडा करने के लिए, और जो दालचीनी है जो उसको निकाल देंगे। अब जो हम एक ग्लोब में डालेंगे हम ब्लेंडर मशीन में, इसको कवर कर देंगे हम, ब्लेंड कर देंगे अच्छी तरह से। ये हो गई है, अब इसको हम हाथ के ज़रिए देखेंगे, गोश्त बिल्कुल हल हो चुका है दाल में। अब हम इसमें दूसरे जो हम मसाले दिखा रहे थे चाट मसाले वाले, वो हम इसमें ऐड करेंगे। पहले तो हम इसमें डालेंगे मिर्च कटी हुई तीन अदद बारीक सी और नींबू के रस दो से तीन डाल देंगे आप स्पून, और एक प्याज बारीक कटी हुई बिल्कुल चॉप की हुई, और धनिया की एक प्याली कटी हुई, चाट मसाला इसके ऊपर डाल देंगे हम एक स्पून, नमक आधा स्पून। अब हम इसको हाथ के ज़रिए हम इसको मस लेंगे, जिससे हमारा सारा ये मसाला आपस में हल हो जाए। ठीक है, अब हम इसकी शामी कबाब बनाएंगे। दो अंडे चाहिए हमें को, इसको हम अंडे को दोनों को तोड़ के प्लेट में डाल देंगे। अब हम अंडे को बिल्कुल इसमें एक चुटकी भर हम नमक डाल देंगे और अभी इसको हम अच्छी तरह से हल कर देंगे, बिल्कुल येलो कलर हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे। अब इसको इसके ऊपर हम टिक्की डुबो कर फिर इसमें पैन में डाल देंगे। पैन में हमने एक स्पून बड़ा चम्मच डाल दिया था ऑयल, और इसको हमने बीच के दौरान हमने
बांध दिया है धागे से और एक होल बना दिया है और उसके ऊपर हम टिक्की वाला मसाला डालकर उस हाथ के ज़रिए उसको प्रेस कर रहे हैं। जितना प्रेस करोगे उतना टिक्की का शेप अच्छा बनेगा। तो हम अभी आपको करके दिखाते हैं। ये देखो बिल्कुल अच्छा शेप आया है। इसी तरह हमने दूसरी टिक्कियां बना के रखी थी, तो ये आपको हम बना के दिखा रहे हैं। और हाथ में, हाथ के ज़रिए जो बनती है गोल टिक्की, हमने पानी डाला हाथ में, लगा तली पर और हम इसको पहले गोल करेंगे हाथ के ज़रिए और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे दोनों हाथ के ज़रिए। हमने प्रेस कर दिया है और साइड में हाथ के ज़रिए गोल गोल बनाएंगे। तो इसी तरह हमने सारी टिक्कियां और भी हमने बना के रखी हैं। बनाना कि यही तरकीब है। अब हम ये टिक्कियां आप चिकन की भी तरह इस अगर गोश्त इस्तेमाल करोगे यही तरकीब है, अगर बकरे का गोश्त भी डाल तो यही तरकीब है, ठीक है। तो हम अभी इसी अंडे में टिक्की को अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे दोनों साइड और पैन में डाल देंगे। पैन हमारा गरम, उसमें आयल गरम हो चुका है, ठीक है। तो अब इसकी तरह एक पैन में ज़्यादा से चार या तीन आएंगी, एक साइड पक जाए तो दूसरी साइड इसको पलटी कर दें। तो पहले देखें आप एक साइड पक चुकी है तो उसको पलटी करें। हम चेक करेंगे एक साइड पक चुकी है, हल्का सा ब्राउन नज़र आएगा आपको, लाल या ब्राउन, तो उसको पलटी कर दें। और दूसरी साइड भी चेक करें, अगर पक चुकी है तो निकाल दें एक टिश्यू पेपर में, प्लेट पर रखकर फिर उसको निकाल दें। हम दूसरी टिक्कियां भी इसी तरह हमने इसको बना देना है, ठीक है। चार टिक्कियां हमने आपको बना के दिखाई, दूसरी इसी तरह हम बनाएंगे। टिक्की को, शामी कबाब को दोनों साइड अच्छी तरह से पकने के बाद पैन में से निकाल दें। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारी टिक्कियां पक चुकी हैं सारी, उनको हम डिश आउट कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। केचप के साथ इस्तेमाल करें और अगर दही के उसका भी आप बना के इसको केचप उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे नए वीडियो देखने वाले हो तो प्लीज़ तेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और नई वीडियो देखने के लिए साथ में बेल आइकन का बटन का उसको भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।